is brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अब कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम आ रहे हैं। मंगलवार को 715 लोगों में ही संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर अब तक 308,726 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 10 मरीजों की मौत होने से अब तक 4,205 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 1,830 और मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 2,92,114 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब मात्र 12,407 मरीज ही सक्रिय रह गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को आए 715 मामलों में से 218 जम्मू संभाग और 497 कश्मीर संभाग के हैं। श्रीनगर शहर में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में नौगाम वागुरा में छिपे 2 से 3 आतंकियों में से सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। अन्य आतंकियों की तलाश जारी है। गत मंगलवार देर रात विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर एसओजी सेना और सीआरपीएफ जवानों द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान वागुरा में इन आतंकियों की घेराबंदी की गई थी। प्रदेश में 30 जून तक सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा संस्थान, कोचिंग केंद्र और कौशल शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे। कोरोना से उपजे हालात की स्थिति की समीक्षा करने के बाद राज्य कार्यकारी समिति ने सभी शिक्षा संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। समिति के सदस्य सचिव सिमरनदीप सिंह की तरफ से जारी आदेश के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेज रिसर्च कार्यों के लिए कम से कम स्टाफ को बुला सकते हैं। टीचिंग स्टाफ को अपने घर से ही ऑनलाइन कक्षाएं लेनी होंगी। उल्लेखनीय है कि इस समय जम्मू संभाग के समर जोन के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगा ने मंगलवार को आरएसपुरा का दौरा कर क्षेत्र में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जा रहे स्थलों का जायजा लिया। भारत पाक सीमा पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जा रहे ऑक्ट्रॉय पोस्ट का जायजा लिया और कहा कि आने वाले दिनों में वाघा बॉर्डर की तरह यहां भी रिट्रीट सेरेमनी शुरू करने पर विचार हो रहा है। उन्होंने घराना वेटलैंड व आरएसपुरा के वार्ड नंबर 10 में स्थित पुराने रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया और विभागीय व प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली। ऑक्ट्रॉय पोस्ट व पर्यटन स्थल के चल रहे काम को लेकर सुरक्षा बल के अधिकारियों से भी बात। जिला पुलिस द्वारा आए दिन पशु तस्करी के मामले को विफल करने के बाद भी तस्कर पास नहीं आ रहे। मंगलवार को प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में एक बार फिर से एक ऐसी ही तस्करी का मामला पुलिस ने विफल किया, जिसमें तस्करों ने बेजुबान पशुओं को इस भीषण गर्मी से क्रूरता से आलू की लदी बोरियों की आड़ में बनाए गए विशेष कैबिन में छिपाकर तस्करी को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। बीते करीब 1.5 माह में कठुआ पुलिस 400 से ज्यादा पशुओं को तस्करों से मुक्त करा चुकी है। इसमें 50 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और 2 दर्जन के करीब तस्करों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। जम्मू संभाग में 192 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ, ड्रोन से हथियार फेंकने व सीमा पर सुरंगें खोदने की साजिशों को नाकाम बना रही सीमा सुरक्षा बल जम्मू फ्रंटियर के 213 अधिकारियों व जवानों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। पुलिस आंतरिक सुरक्षा पदक हासिल करने वालों में सीमा सुरक्षा बल जम्मू फ्रंटियर के IG NS जम्वाल समेत 27 अधिकारी, 59 सहयोगी अधिकारी व 127 अन्य रैंक शामिल हैं। IG जम्वाल को पुलिस आंतरिक सुरक्षा पदक के साथ DG प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया है। देश में कोरोना के कम होते मामले और टीकाकरण की स्थिति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अभी वायरस का संचरण बहुत कम है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट 2020 के मुकाबले ज्यादा चालाक हो गया है। अब हमें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हमें ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगातार पहने रखना होगा, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। इसके बिना परिस्थिति फिर खराब हो सकती है। म्यूटेशन डिटेक्ट हुई है और ये ग्लोबल डेटा सिस्टम में इसको चिन्हित किया गया है। इसको डेल्टा प्लस भी कहा गया है, AV.1 कहा गया है, कापा वेरिएंट के साथ वो नाम है, लेकिन एसेंशियली एक नया डेल्टा के अंदर ही एक नई चेंज आई है।
जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 40 अधिकारियों को जल्द ही भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही वह AGMUT कैडर प्रदान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर दो केंद्रित शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर व लद्दाख में पुनर्गठित हुआ। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसी वर्ष जनवरी में जम्मू कश्मीर IAS कैडर को AGMUT में शामिल कर दिया। JKS कैडर में अधिकारियों को IAS कैडर में शामिल करने का मामला करीब 9 साल से लटका हुआ था। जम्मू संभाग में करीब 2.5 महीनों तक स्वर्णिम विजय वर्ष के कार्यक्रमों के बाद अब कश्मीर संभाग में विजय मशाल के सम्मान में कार्यक्रम होंगे। अब जून महीने के दूसरे पखवाड़े में विजय मशाल कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में देशभक्ति के जज्बे को बुलंद करेगी। मंगलवार को रामबन जिले के चंद्रकूट में शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम के बाद सेना की विजय मशाल को कश्मीर ले जाने की तैयारी हो गई है। विजय मशाल के बनिहाल टनल पार कर कश्मीर पहुंचने के साथ ही अब वहां पर स्वर्णिम विजय वर्ष के सम्मान कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। विजयपुर क्षेत्र के गुड़ा सलाथिया के गांव सिमला बली के नजदीक खेतों में मंगलवार शाम को पत्थरों के बीच पड़ा पुराना जिंदा हैंड ग्रेनेड मिला है। खेतों में काम कर रहे अमित सिंह निवासी उर मंडी ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को बुलाकर हैंड ग्रेनेड को खुली जगह पर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया। बम निरोधक दस्ते द्वारा बताया गया कि ये बहुत ही पुराना हैंड ग्रेनेड है और हमने इसको निष्क्रिय कर दिया है। यदि दो पहिया वाहन के पीछे बैठकर कहीं सफर को निकल रहे हैं तो आप भी हेलमेट लगा लें, अन्यथा ट्रैफिक पुलिस चालान काटेगी। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस सक्रिय हो गई है। जम्मू शहर में कई जगहों पर नाके लगाकर दो पहिया वाहन के पीछे बैठने वालों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही चेतावनी दी जा रही है कि यदि लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के बाद चालान काटना मजबूरी हो जाएगी। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई का कई जगहों पर विरोध भी हो रहा है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी से गिरावट आ रही है। एक तरफ देश में कोरोना के दैनिक मामलों में कमी आ रही है तो दूसरी ओर कोरोना की रिकवरी दर बढ़ रही है। इसके साथ ही कोरोना के सक्रिय मामले भी लगातार कम हो रहे हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कुल 62,224 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना संक्रमण के कारण 2,542 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 1,07,628 लोग ठीक हुए हैं। इसको मिलाकर देश में अब तक कुल 2,83,88,100 लोग कोरोना से उबर चुके हैं। इससे देश की कोरोना रिकवरी दर बढ़कर 95.80% हो गई है।